हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में वो फिर से मिशन रानीगंज को लेकर, और जानेंगे आज इस वीडियो में कि फ़िल्म कैसी है, फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है और फिल्म ने अभी तक ऑल ओवर कितना कलेक्शन कर लिया है। फिल्म में आपको लीडिंग में नज़र आए अक्षय कुमार और इनके अपोजिट फीमेल लीड में नज़र आ रही है परिणीति चोपड़ा, जहाँ पर इसको डायरेक्शन दिया है टीनू सुरेश देसाई ने और फिल्म को रिलीज़ हुए आज 6 दिन कम्प्लीट होने जा रहे हैं। तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है और ये फिल्म हिट हो गई है या ब्लॉकबस्टर। फिल्म को पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है, जानेंगे आज इस वीडियो में। और साथ ही साथ बताऊंगा आपको कि फिल्म हिट हो गई है या ब्लॉकबस्टर। अगर आप भी डाई हार्ड फैन हैं अक्षय कुमार की, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो बताना चाहेंगे मिशन रानीगंज, जो कि एक रेस्क्यू ड्रामा फिल्म है, इंस्पायर है रियल स्टोरी से, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे सीक्वेंस, काफ़ी अच्छे सीरीज़ देखने को मिलेंगे। और ये फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग इसे प्यार दे रहे हैं। इसको डायरेक्शन दिया है टीनू सुरेश देसाई ने, जो कि इससे पहले अक्षय कुमार के साथ रुस्तम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं। बात करें फिल्म को लेकर, तो बजट है इसका 80 करोड़ प्लस, जहाँ पर इसको अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस किया है पूजा एंटरटेनमेंट्स के साथ मिलकर। बजट इसका काफ़ी ज़्यादा है और बजट के कंपेरिजन में जो ये फिल्म कलेक्शन कर रही है काफ़ी कम है, यानी कि फिल्म फ्लॉप के लिए ट्रेंड कर रही है। उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म इतनी लोएस्ट ओपनिंग लेगी। अगर बात करूँ उसके आज के कलेक्शन की, तो ये फिल्म आज 1.5 करोड़ की रेंज में कलेक्शन कर रही है इंटरनेट बॉक्स ऑफिस पर, जहाँ पर फिल्म का टोटल इंटरनेट कलेक्शन हो चुका है 15 करोड़ 60 लाख रुपये। इंडिया का उस कलेक्शन हो चुका है 18 करोड़ रुपये, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 22 से 23 करोड़ रुपये। ये फिल्म मैक्सिमम और 35 करोड़ भी कमा लेती है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर, तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन बात करें हिट या फ्लॉप को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई है और खुद ने अक्षय कुमार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा एक बार।